हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कृष्ण लवाट। तो देखिए, आज हम ये लड्डू गोपाल जी के लिए विंटर ड्रेस बनाएंगे, जो कि ये मैंने हैंकी की हेल्प से बनाया है। और ये जैकेट और ये इसके साथ की पैंट, ये हम ड्रेस आज बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले गाइस, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ब्यूटीफुल सी ड्रेस बनानी। तो ये देखिए, ये मैंने एक हैंकी ले लिया है। इसकी लंबाई चौड़ाई मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको ये देखिए इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ये मैंने एक फोल्ड किया और इसको एक और फोल्ड करेंगे और चारों कॉर्नर को एक साथ अच्छी तरीके से बराबर इक्वल्स रखते हुए इस तरीके से पकड़ के फोर फोल्ड कर देंगे। अब इसको फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हम इसका मेज़रमेंट लगा लेंगे। पहले हम जैकेट का मेज़रमेंट मैं आपको बता देती हूँ। जैकेट की लंबाई देखिए हम 4 इंच रखेंगे, तो यहाँ पर 4 इंच पे मार्क कर देंगे, 4 इंच पर। और जो इसकी हम चौड़ाई रखेंगे, पहले 4 इंच पर मार्क कर देते और इसकी चौड़ाई के लिए मैंने यहाँ पर देखिए 2.25 इंच की चौड़ाई ली है, तो यहाँ पर इसको मार्क कर देंगे। ये इतना यहाँ से मार्क करेंगे और यहाँ से इसकी भी 4 इंच ही होगी, तो हाफ पर हम 2 इंच पर यहाँ पर मार्क कर देंगे। बाजू तक का एरिया हो गया हमारा। अब इसके आगे हम बाजू के लिए मार्क करेंगे, तो इसकी स्लीव्स होगी ये देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक हम रखेंगे। लगभग 2.25 इंच पर हम इसको मार्क कर रहे हैं बाजू के लिए। ये देखिए 2.25 इंच पर मार्क इसको हम कर देंगे, तो ये हमारा बाजू का साइज़ होगा। अब इसकी हम कटिंग कर देंगे। यहाँ से इसकी कटिंग कर देंगे हम। तो ये हमने यहाँ तक कटिंग करी है। अब इसके बाजू के एरिया की भी हम जितना हमने मार्क करा है वहाँ तक इसकी कटिंग कर देंगे। ये देखिए हमने पूरा ये कटिंग कर दिया है, तो हमारे जैकेट की कटिंग निकल कर आई है। ये देखिए दो जो हमारे हिस्से इस तरीके से आए हैं, देखिए ये इस तरीके से आएंगे। तो हम इनको क्या करेंगे, ये देखिए ये इस तरीके से रखे जाएंगे। तो यहाँ पर इस पर सिलाई लगाई जाएगी। पहले हम इसको इस तरीके से रखेंगे और इसके इस दोनों पार्ट को अपोजिट साइड में रखते हुए ये देखिए उल्टा रख करके यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी दूरी पर सिलाई लगा देंगे। तो देखिए सिलाई की हेल्प से, सुई धागे की हेल्प से मैंने इसको थोड़ी सी दूर तक इस पर सिलाई लगा दी है। अब हमें क्या करना है, देखिए इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसका नीचे से लेके बाजू तक का पूरा हिस्सा एरिया हम सिलाई लगाएंगे। लेकिन पहले इसमें बाजू पर थोड़ा सा एक फोल्ड करके यहाँ पर हम थोड़ी सी सिलाई लगा देते हैं। इतने हिस्से पर हम दोनों साइड सिलाई लगा देंगे बाजुओं पर। तो देखिए दोनों साइड बाजू का हिस्सा भी मैंने स्टिच कर दिया है सुई धागे की हेल्प से। अब इसको हम इस तरीके से रखते हुए पूरे नीचे से लेके बाजू तक के पूरे राउंड पर सुई धागे की हेल्प से सिलाई लगा देंगे।
तो देखिए मैंने सिलाई लगा दी है, ये देखिए इस तरीके से आया है, ये दोनों साइड में मैंने सिलाई लगा दी है। अब इसका नीचे का हिस्सा इतना सा फोल्ड करेंगे और इस पर भी पूरी सिलाई लगा देंगे नीचे की साइड। तो यहाँ पर मैंने नीचे की साइड भी इस पर सिलाई लगा दी है। जैकेट को हम सीधा कर लेते हैं। तो देखिए जो ये किनारी थी हमारी इसकी हैंकी की चारों तरफ कॉर्नर पर, वो उसकी भी हमने इसकी जो हमारे सेंटर में इसमें इस तरीके से आएगी किनारी। देखिए बहुत ही सुंदर सी जैकेट बन करके ये तैयार हो जाएगी। अब हम इसकी पैंट बना लेते हैं। पैंट बनाने के लिए जो हमारी कटिंग बची थी इसमें से हम कटिंग निकालेंगे पैंट के लिए। तो ये ऊपर का हिस्सा यहाँ से हम निकाल देंगे इसको, और नीचे के लिए यहाँ से नीचे का हिस्सा भी इसका कट करके निकाल देंगे। ये देखिए ये दोनों कटिंग हमने निकाल दी है। अब इसको देखिए हम इस तरीके से रखेंगे, ये हमारा दोनों सीधा साइड है, उल्टा साइड रखकर इस पर भी सिलाई लगा देंगे। तो देखिए इतने हिस्से पर मैंने दोनों साइड सिलाई लगाई है। ये देखिए थोड़ा सा नीचे का हिस्सा हमारा रह गया है। अब हम इस पर नीचे की साइड भी सिलाई लगा देंगे सुई धागे की हेल्प से ही। ये देखिए नीचे की साइड भी मैंने इस पर सिलाई लगा दिया। ये पैंट ये देखिए हमारी इस तरीके से आएगी। ये देखिए अब हम इसके ऊपर की साइड थोड़ी थोड़ी सिलाई लगाएंगे और फिर हम इस पर इलास्टिक डाल देंगे अंदर। तो पहले थोड़ा सा फोल्ड करके इस पर हम सुई धागे की हेल्प से इतना सा फोल्ड करेंगे और चारों तरफ सिलाई लगा देते हैं। तो देखिए ऊपर की साइड हमने थोड़ा सा एरिया फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। हम इस पर इलास्टिक डाल देंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर ये इस तरीके की इलास्टिक ली है, उसको हम पिन की हेल्प से इसमें अंदर डालेंगे। तो पहले इसको पिन में हम एडजस्ट कर लेंगे, फिर इसको पिन की हेल्प से इसके अंदर डाल देंगे। तो देखिए इसके अंदर मैंने इलास्टिक भी सेट कर दिया अंदर की साइड बहुत अच्छे से। तो ये हमारी पैंट और इसके साथ की जैकेट बन करके हमारी एकदम से रेडी है। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।